तो सर आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि हम भी ये सिस्टम लगवाएं? ये आइडिया क्या है, हम तो रोज शाम को टीवी देखते थे, फिर क्या है लोग बाग बार बार घर वाले बोलते हैं कि पानी पिलाओ भैंसों को, पानी पिलाओ। अरे यार रोज की भेज हमारी, इसलिए और मेरे दिमाग में आ गया पानी पीने का, कैसे कैसे न कैसे जुगाड़ करना ही पड़ गया इसका जुगाड़ करना ही पड़ेगा करना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका इंडियन क्रिएटिव फार्मर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पशुपालन को आसान करने वाले ऑटोमेटिक सिस्टम या एक तरीके से उसको जुगाड़ बोल सकते हैं, इसके बारे में कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसको हम कितने खर्च में लगवा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम सर से जानेंगे जिन्होंने सिस्टम लगवाया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को, और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सर एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, और आपका अपना छोटा जो परिचय है वो हमारे किसान भाइयों को बताइए। मेरा नाम ईश्वरलाल जड़वा है, गांव सालेड़ा का हूँ। तो सर ये सिस्टम आपने कब लगवाया था? ये अभी साल भर पहले लगाया है, एक साल हो गया कंप्लीट, उससे ऊपर हो गया चल रहा है। तो आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि ये सिस्टम काम कैसे करता है? काम ये फुली ऑटोमेटिक काम करता है, और इनके फ्लश पेटी लगी हुई है वो कंट्रोल करती है, इसमें बॉल आती है, बॉल के इधर से ये कंट्रोल करती है, पानी का लेवल है कम ज़्यादा लेवल का वो सेटअप करती है। इसमें ऐसा सेटअप लगाया है कि जैसे कि पानी का लेवल ऊपर जाएगा उस बॉल की तरफ, और वो ऐसे लगा हुआ है, बॉल ऊपर अपने आप रुक जाएगा, वो पानी वापस पानी खाली होते वापस बढ़ जाएगा ये कुंडी। अच्छा, पूरा खाली होने देते नहीं और चालू कर देता है। इस सिस्टम के क्या क्या फ़ायदे हैं? इससे बहुत से फायदे हैं, पशु को तकलीफ नहीं होती कभी भी पानी पीने की, पूरा दिन में जब जाए वो पानी पी सकती है, इससे दूध भी बढ़ता है, उसकी मर्जी जाए तो पानी पी सकती है। उसके अलावा हमको कोई समय बचता है हमारा, हम खोलते मिलते हैं पानी पिलाते हैं फिर वापस से बांधते हैं, इसे अपना भी समय बचता है। फिर मैंने क्या अपने को इधर उधर भी जाना हो कहीं पे जाना फिर भी तो समय की बचत होती है अगर पूरा दिन नहीं है हमारे पास, टाइम भी नहीं है, तो ये पूरा कुंडी भर देते हैं खारिया की, उसके बाद चले जाते हैं, तो पूरा दिन ये भैंसे बंधी रहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो इस सिस्टम में जैसे कि हम आप बताए कि ये एक जैसा ये बना हुआ है उससे कितने पशु पानी पी सकते हैं? ये बच्चे बना हुआ है जो बीच में बना हुआ तो दो पी सकते हैं और एक भी पी सकते हैं, अपने हिसाब से एक एक को सेट कर रखा है अपने मेंटेनेंस से अपना कितना को एक एक कर रखा है इनको। अच्छा, इस सिस्टम को आपको लगाने कितना खर्च लगा? इसको लगाने में इसका ये इसके पानी पाने वाले का 10,000 समथिंग काम हो जाता है, इसमें सब आ जाए लेबर हेबर है सब आ गए, बाकी ये चुनाई का काम ये अलग है। अच्छा, तो आपने सिस्टम लगवाया है तो आपको इसके क्या आपको आपके हिसाब से आप किसान भाइयों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? मेरे हिसाब से किसान भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा लगवाइए ये, और इससे बहुत से फायदे, अपना टाइम बचता है, समय बचता है, और जो भी पशु होता है उनको कोई तकलीफ नहीं आती है इनके पानी पीने में, पूरा दिन कहीं अपन इधर चले जाए उसकी मर्जी कब होती है पानी पीने की, अपन कब पा रहे हैं तो उसके हिसाब से वो अपने आप से पी लेते हैं पानी, पशु भी स्वस्थ रहता है उनमें, पशु स्वस्थ रहता है, कोई तकलीफ नहीं उनको। तो सर आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि हम भी ये सिस्टम लगवाएं? ये आइडिया क्या है, हम तो रोज शाम को टीवी देखते थे, फिर क्या है लोग बाग बार बार घर वाले बोलते हैं कि पानी पिलाओ भैंसों को, पानी पिलाओ। अरे यार रोज की भेज हमारी, इसलिए और मेरे दिमाग में आ गया पानी पीने का, कैसे न कैसे जुगाड़ करना ही पड़ गया इसका जुगाड़ करना ही पड़ेगा करना ही पड़ेगा। उसके बाद मैंने ये दिमाग में आया, एक जने बोला वो है, तो फिर वहाँ पर देख के आया, थोड़ी दूर था 40 किलोमीटर दूर, देख के आया, फिर उसके बाद ये यहाँ पर मिस्त्री को लेके गया, फिर उसने देख लिया, उसके हिसाब से माल मंगवा दिया और ये सेटअप करवा दिया। अच्छा, तो अभी कोई झंझट मारी नहीं है, कोई परेशान नहीं करता है अपन को, जो अपने अपने काम में बिजी रहते हैं और ये पैसों का काम अपने आप होता रहता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य किसान भाई तक शेयर जरूर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिले। मिलते हैं इसी प्रकार की जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।